नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। बड़ी गिरावट के साथ शेयर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स 38,000 अंक के नीचे। इसी पर आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी IT सेल को सौंपी सोशल मीडिया की जिम्मेदारी। कानपुर में लैब असिस्टेंट किडनैप, फिरौती देने के बाद हत्या, परिजन बोले पुलिस जिम्मेदार। सुशांत के दोस्त महेश ने दिल बेचारे को बताया स्पेशल, बोले तुझे मिस कर रहा। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में बना 2529 नए केस, लखनऊ बना एपिसेंटर। गैंगस्टर की पत्नी ऋचा दुबे ने कहा कि फिर कोई दूसरा विकास दुबे खड़ा ना हो। कोविड सेंटर में 14 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, दो गिरफ्तार। लैब असिस्टेंट की हत्या पर प्रियंका का ट्वीट, सरेंडर कर चुकी, कानून व्यवस्था। बुलंदशहर में घर लौट रही नर्स से छेड़छाड़, लोगों ने की आरोपियों की पिटाई। नए क्लेवर में दिखेगी PM की वेबसाइट, शामिल की जाएगी 22 भारतीय भाषाएं। ईरानी पैसेंजर प्लेन के पास आए दो अमेरिकी फाइटर जेट, बड़ा हादसा टला। यूपी के लखीमपुर खीरी में बजरंग दल के नेता को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर। बिहार में बाढ़ के कारण हाहाकार जारी, गोपालगंज में गंडक नदी पर बना पुल बहा। यूपी में लैब असिस्टेंट की हत्या पर कानपुर पुलिस बोली, नदी में हो रहा है शव की तलाश। उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 5:11 पर आया भूकंप, तीव्रता 3.0 मापी गई। महाराष्ट्र के पालघर में देर रात 12:26 पर आया भूकंप, तीव्रता रही 3.1। दक्षिण अफ्रीका में 27 जुलाई से 24 अगस्त तक सभी पब्लिक स्कूल बंद रहेंगे। असम में एक दिन में कोरोना के 1047 केस, अब तक 28,791 मामले दर्ज। ग्रेटर नोएडा के दादरी बाईपास सड़क हादसे में दो युवक की मौत व दो घायल। यूपी में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खुली रहेंगी। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बड़ा बयान, कहा कि हालात बने तो पायलट बन सकते हैं CM। IPL 19 सितंबर से UAE में होगा शुरू, 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण मामले में पाक ने बंद किए सारे कानूनी रास्ते। बॉलर्स की जगह मशीनें रख लो, कोरोना काल में बदलते क्रिकेट पर बोले सचिन तेंदुलकर।